ये लगभग 50 दिवस पूर्व की घटना है, 16 फरवरी का इंसिडेंट है, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और तत्समय भी अनुपम शर्मा जी जो मिसिंग थे, जिनका गुम इंसान संजीवनी नगर थाने में कायम हुआ था, मूलतः ये जसूरिया सिटी संजीवनी नगर के रहने वाले थे, और उस समय से ही सारी जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी संदिग्ध लग रही थी कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है। और लगातार हमारी टीमें इस मामले में सक्रिय थी। जब मैंने यहाँ पर इस जबलपुर में ज्वाइन किया और इस प्रकरण को देखा, तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गंभीर हादसा हुआ है, गंभीर घटना हुई है। और पूरी हमारी क्राइम की टीम, हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा, एडिशनल एसपी संजय और हमारी क्राइम की टीम ने लगातार इसमें फॉलो करके इस मामले को डिटेक्ट किया है। मैंने भी लगातार टीम के साथ बातचीत की और उसमें जो जो भी हमारे पास एविडेंस आते गए उस पर से ये मामला डिटेक्ट हुआ। निश्चित रूप से मामला पेचीदा था, क्योंकि जब इतनी पुरानी बॉडी हो जाती है और रिकवर नहीं होती है तो समस्या होती है। बट द गुड थिंग कि कम से कम बॉडी कल रिकवर हो गई। संजीवनी नगर के पास जो कचपुरा ब्रिज के पास जो नाला है, वहां पर ही डेड बॉडी, रेलवे ट्रैक जाता है वहां पर ही डेड बॉडी बरामद हुई। और नृशंस तरीके से इस बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट से कई टुकड़ों में काट के बोरी में बहा के नाले में फेंक दिया गया था। और इस वारदात को अंजाम उसके करीबी मित्र टोनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों प्रॉपर्टी को और एमसीएक्स के शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। टोनी को कुछ पैसा इनसे वापस लेना था, टोनी को पैसा देना था अनुराग को, और अनुराग वगैरह इसको तकाजे कर रहा था कि पैसे वगैरह दे दिए। और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 से 12 लाख का ट्रांजेक्शन मिला है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि लगभग 25 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन उससे शेष था जो टोनी को देना था। और कहीं ना कहीं इसमें करेक्टर को लेके भी उंगलियां उठी हैं, चरित्र पे भी संदेह किया गया है और उसकी परिणति इस जघन्य हत्या के रूप में हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में टोनी को आशंका थी कि कहीं ना कहीं मैं मामले में पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली है। 25th को उसने सुसाइड कमिट किया है। और उसके बाद एकमात्र जो और इसका सहयोगी था, राम प्रकाश पुनिया, उसको फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, कुछ डेड बॉडी जहां पर फेंकी गई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज, जहां से मूवमेंट हुआ था, और डेड बॉडी अभी 2 दिन पहले मिली है, ये इतना लंबा गैप हो गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन लग रहा है कि आखिर इतना हल्के में कैसे ले लिया पुलिस ने, अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, कुछ भी अपडेट नहीं था। मैं वही कह रहा हूं कि आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए इस तरह से कि जो व्यक्ति जिसने मूल रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं इस आशंका में कि मैं पकड़ा जाऊंगा खुद आत्महत्या कर ली। तो मामला कितना पेचीदा हो गया जब मुख्य सूत्रधार गायब हो गया, तो लिंक करना कितना कठिन होता है हमारी पुलिस के लिए। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पुलिस एंड वी हैव डन दैट जॉब। मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जब वो मैसेजिंग की बात आई, वहां से मैसेज वगैरह किए गए, तो उस चीज को हमने ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ कहाँ पर चला है वो, तो उसके आधार पर बात की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इसका स्कूटर जिससे अनुराग गया हुआ था वो हमने मौके पर स्टेशन के पास रख के पाया गया, तो वहां के भी सीसीटीवी फुटेज लिए गए, कौन व्यक्ति गया था, उसका कपड़े वगैरह पहन के उसको कपड़े वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए, और उसका हुलिया राम प्रकाश पुनिया से मिल रहा था। तो उस हुलिया के आधार पर उन्होंने देखा इसके घर में टोनी के संपर्क में कौन व्यक्ति हो सकता है, वो उसके किराएदार बन के रह रहा था। फिर उसने बहुत सारी चीजें हमको बताई। राम प्रकाश से पहले भी इंट्रोगेशन किया गया लेकिन आसान नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसका सहयोगी के रूप में मौजूद था। क्या देखिए स्टेप बाय स्टेप यही है कि 16 तारीख को जब ये गायब हुआ तो इसको ये इसका एक गोदाम गोडाउन है जिसमें ये बुरादे वगैरह रखता है, वहां पर एक शार्प ऑब्जेक्ट आरी टाइप से पेड़ वेड़ काटते हैं, उससे उसने जाके उसको काटा। और फिर उसके साथ में ये राम प्रकाश पुनिया भी शामिल था। राम प्रकाश पुनिया को भी एक्चुअली उसके घर में किराएदार के रूप में रहता है टोनी के, और कुछ ट्रांजेक्शन उसको पैसे 2 महीने से इसने किराया नहीं दिया था, तो वो चाहता था कि ये किराया तुम्हारा नहीं लूंगा मैं, और कुछ पैसे भी उसको आर्थिक मदद करी होगी, तो वो भी इसके साथ जुड़ गया। इस तरह से संयुक्त रूप से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कुछ इन्होंने मैसेज वगैरह किए कि अब टोनी जो उसका मोबाइल फोन था अनुराग का मोबाइल फोन अपने पोजिशन में लेके कि
कि अब मैं मौन व्रत रख लिया हूँ, अब मैं धार्मिक यात्रा के लिए नासिक निकल गया हूँ, परिवारजन कन्फ्यूज हो जाए कि ये व्यक्ति कहीं अब घर द्वार छोड़ के बाहर चला गया है, और उस कन्फ्यूजन में तब तक डेड बॉडी वगैरह को उन्होंने डंप कर ही दिया था, डिकम्पोज हो जाती है और हत्या का पता रस्सी डेड बॉडी कहीं मिलती ही नहीं हो, तो गुम इंसान में ही मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सक्रियता रही और ये मामले डिटेक्ट हुआ। कितने टुकड़े किए गए बॉडी के, कितने टुकड़े अभी तक बरामद हुए हैं, कितने मिसिंग? कुछ मिसिंग है और उसमें कई पीसेस हैं उसके।